दोस्तों, आज हम सीखेंगे गिलकी की गीली सब्जी बनाने का तरीका। सबसे पहले हम तेल डाल देंगे, थोड़ा सा तेल, एक चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे। इसे गर्म होने देंगे और फिर जब ये तेल गर्म हो जाएगा, अब देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे। के बाद इसमें हम रोज की तरह क्या डालेंगे, एक तरफ जीरा, जीरे और जो हमने हींग डाली इसे अच्छे से भूनने देंगे, चम्मच से हिला देंगे और इसके लाल होने तक रुकने देंगे। ये देखिए हमारा जीरा और हींग जो है वो लाल हो गया। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक से सवा चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी हम आधी चम्मच और डाल देंगे और उतना ही हम इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच। और ये हो गया हमारा नमक आधी चम्मच और एक चम्मच। अब हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारा मसाला जल ना जाए और कुकर में चिपक ना जाए, इसके लिए हम मसाले पकने समय थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे। और फिर इसको भून करके छोड़ देंगे और 2 मिनट के लिए हमारे मसाले को पकने देंगे ताकि हमारी जो सब्जी हो तरीदार और शानदार बने। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया। अब हमें इसमें गिलकी के कटे हुए गट्टे डाल देंगे। ये हमने गट्टे डाल दिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पानी डाल दिया है। इसे हम एक बार चम्मच से हिला देंगे और इसे 3 से 4 सीटी लगने के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 3 सीटी के बाद हम कुकर खोलेंगे। वाह, हमारी गिलकी तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक बार अच्छे से हिलाएंगे और किसी भी बर्तन में सर्व कर देंगे। ये देखिए हमारी गिलकी की रसेदार सब्जी तैयार है। ये देखिए दोस्तों, हमारी गिलकी की रसेदार सब्जी तैयार है। अब आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पूरी के साथ। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।